अजमत टाइम्स में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, कांग्रेस के सीनियर रहनुमा फजल अहमद, इनके अलावा F4 कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद फवाद अहमद से अजमत टाइम्स के चीफ एडिटर जनाब अजमतुल्ला साहब ने और साथी रिपोर्टर ने गुफ्तगू की। हालात हाजरा के अलावा कांग्रेस की मौजूदा सूरत हाल, कौमी तालीमी पॉलिसी और दीगर उमूर पर जो खास गुफ्तगू हुई है, आप भी मुलाहजा फरमाएं। वक्त नहीं है कि वो न्यूज़पेपर पढ़े, हर लोग आज सब यूट्यूब चैनल पे जा रहे हैं, तो मैं तहे दिल से इन लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इनको अल्लाह ताला तरक्की दे। मेरा एक सवाल है कि आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं कि मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है, इत्तेहाद ज़रूरी है, इस तलक से आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये इत्तेफाक इत्तेहाद जो है हर आदमी के सुस्त नकों का भरम है। आपको इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में आप जो है मुसलमान इत्तेफाक इत्तेहाद के लिए एक मिसाल थी। हाय, मैं मानता हूँ चंद लोगों में थोड़ा बहुत एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, सोचने का ढंग अलग है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमारे कौम में इल्म की थोड़ी कमी है। मैं बरादरी ने इस्लाम से और पूरे लीडरों से गुजारिश करता हूँ कि इस चीज़ को अगर हम लोग सब मिल के जद्दोजहद करके एक एजुकेशन लेके आए बोले तो वो जो जो कमी हमें जो महसूस हो रही है, इंशाल्लाह वो कमी भी दूर हो जाएगी। अच्छा, आप एक सीनियर कांग्रेस लीडर थे, अब आजकल आप उतना एक्टिव नहीं है पॉलिटिक्स में, ऐसा क्यों है? देखिए, मैं हंदे मेरे वाले साहब एसम अहमद ताज मरहूम सब उन्होंने कौम की खिदमत की है, कई इदारों में थे, और हम लोग बचपन से ही हमारा ख़ानदान कांग्रेस का है, और आज के हिसाब से मैं थोड़ा मेरे बिजनेस में बहुत मसरूफ़ हो गया हूँ। मैं तो सियासत में वैसे नहीं कि मैं सियासत छोड़ के नहीं गया, मैं कांग्रेस ही हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर अल्लाह की मर्ज़ी है, आप लोगों का ताउन रहा, तो खिदमत के लिए मैं कभी भी हाजिर हूँ। ऐसा लगता है कि कांग्रेस में दो ग्रुप हो गए, DK शिव कुमार का ग्रुप और सिद्धरामैया साहब का ग्रुप, आप किस ग्रुप को तरजीह देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं इस तरह से? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कांग्रेस में ग्रुप का सवाल ही नहीं होता। कांग्रेस के ऊपर एक हाईकमांड होती है, हाईकमांड का जो भी डिसीशन होता है उसके ऊपर फैसले होते हैं। अब सिद्धरामैया के लोग चाहने वाले हैं, सिद्धरामैया जी के, DK शिव कुमार जी के लोग चाहने वाले हैं। अब चाहने वालों का ख्याल ज़्यादा के है, ये नहीं कि ये डिसीशन मेकर हैं, ये चीफ मिनिस्टर बनाने वाले हैं, और हम सिर्फ इस बार इस दौर इस सोचना कि हम सियासत को, हमारे कांग्रेस को हम हुकूमत में ले आए, क्योंकि आज जो हिसाब से जो चल रही है, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, कोई शख्स इसमें खुश नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस कलेक्टिव डिसीशन है, ये जो है फ्रॉम द हाईकमांड। BJP गवर्नमेंट की पॉलिसियों से आप किस हद तक मुतफिक हैं? देखिए, BJP गवर्नमेंट एक ऐसी है, वो अपने एजेंडे के ऊपर जा रही है, जो एजेंडा जो उन्होंने अपना लें उसमें थोड़ा वेरिएशंस लेके आना है। अब देखिए, अब जैसा कि स्टार्टिंग ही हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी ने नोटबंदी का कर दिए, फिर GST का लेके आ गए, आप करो, ऐसा नहीं कहोगे हिम्मत करो, एक के पीछे एक जाना था, अब ये आके थोड़ा बहुत तकलीफ हुई। चलो, अब जो प्राइम मिनिस्टर का जो डिसीशन होता है, जो सेंट्रल में जो डिसीशन है, अब आज लोग उसे भी यूज हो गए हैं, मगर इकोनॉमी थोड़ा बनना, थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए। व्हाट इज योर प्रेडिक्शन अबाउट UP एंड पंजाब इलेक्शंस? सी, UP एंड पंजाब इलेक्शन देखिए ऐसा है कि इस बार आदित्यनाथ योगी जी को खुद UP के लोग ही उनको सबक सिखाएंगे, और पंजाब तो है, पंजाब में तो कांग्रेस का कभी भी आता है, इंशाल्लाह अमरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर बनेंगे, सिद्धू जी की क़ियादत में वहाँ पे भी इंशाल्लाह कांग्रेस हुकूमत बनाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तालुक से आप क्या कहना चाहेंगे? जो अभी लाए हैं BJP NEP, इस तालुक से आप क्या कहेंगे? वो इसमें क्या है, एजुकेशन जो क्या बोले आप, फिर करवाइए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अच्छा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा है, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, ये पहले से ही कांग्रेस की बनाई हुई है, और ये जो लोग जो इम्प्लीमेंट करे, मेरी ये राय है कि ये लोग एक्सपर्ट से थोड़ा राय लेना था, स्कॉलर से थोड़ा राय लेना था, वो कुछ नहीं किया। मैं बस यही इतना ही कहना चाहता हूँ।
अच्छा, अभी कोविड जो चल रहा है इससे इकोनॉमी को भी नुकसान बहुत हो रहा है, वैक्सीनेशन ड्रिव चल रहा है, इस तालुक से अब वैक्सीनेशन एंड प्रिवेंशन के तालुक से आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कोविड जो कैसी बीमारी है, ये जो है बहुत जल्दी स्प्रेड होने की बीमारी है। हम लोगों को मालूम था जब दुनिया में जब कोविड आया, जब दुनिया में इस बीमारी फैली, तो हम लोग एहतियातन हम तैयारी करना चाह रहे थे, मगर हम लोग नहीं किया। उसके बावजूद भी येडियुरप्पा जी गवर्नमेंट में भी थोड़ा बहुत कोविड का वो तकलीफ है, गैस ऑक्सीजन नहीं मिला, एम्बुलेंसेस नहीं मिले, बेड्स नहीं मिले, मगर फिर भी क्या है, आज के हिसाब से जो रेशियो जो परसेंटेज जो था, अभी इस पर थोड़ा बहुत कम है। मैं रहता दिन मैं सब लोग से गुजारिश करता हूँ कि आप प्रिवेंशन करें, आप अपने घरों में रहिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, मास्क पहनिए और दूरियां इख्तियार करें। आजकल मालूम है आप रियल एस्टेट बिजनेस में आपके, अब कैसा लग रहा है आपके रियल एस्टेट बिजनेस? जी, ये रियल एस्टेट बिज़नेस तो इंडिया में हमेशा बढ़ने ही वाला है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट निकली थी कि बैंगलोर का पॉपुलेशन अगले 15 साल में 50% और बढ़ने वाला है, क्योंकि इन्फ्लक्स विलेजेस से आने वाला है, तो रियल एस्टेट का हमेशा डिमांड रहने वाला है और रहेगा। तो आप F4 कंस्ट्रक्शन जी के MD जी, आपके प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ पर चल रहे हैं और अब तक कितना काम हुआ है, कितने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए हैं? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए हैं, 15 के ऊपर अब तक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अभी फिलवक्त एक 25 यूनिट का अपार्टमेंट यशवंतपुर में चल रहा है, काफ़ी रो हाउसेस JP नगर में चल रहे हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स गांधीनगर में चल रहे हैं, फार्म के प्रोजेक्ट्स कनकपुरा में चल रहे हैं। तो इससे आपको उम्मीद है कि रियल एस्टेट बिजनेस बढ़ने ही वाला है? नहीं, ज़रूर, देखिए जब तक ह्यूमैनिटी है, जब तक इंसान है, तब तक लोग बढ़ते जाएंगे। और हम लोग बहुत अच्छी खूबसूरत शहर में है, बैंगलोर में, और बैंगलोर सिटी एक ऐसी सिटी है जो एकदम अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ महसूस करी हुई है लास्ट 20 साल में। और अगर आप देखें पूरे साउथ इंडिया में नंबर 1 सिटी मानी जाती है आज के ज़माने में, और इंशाल्लाह आगे भी बढ़ते रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि विलेजेस से, बाहर से, नॉर्थ इंडिया से लोग इधर आ रहे हैं, सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया इसको बुलाते हैं, उस हिसाब से तो डेफिनेटली और बढ़ते रहेगी। बहुत पॉजिटिव हूँ मैं और बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ ये चीज़ के बारे में। बेंगलुर में मियारी तालीम के लिए जाना पहचाना नाम श्री विद्या प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, जहां पर PUC साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में दाखिले जारी हैं। तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9448161477 पर राबता करें।